हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और देखिए, इस वीडियो में सोल्व करेंगे आज हम इस क्वेश्चन को। इसमें बोलते हैं डिवाइड्स 1000 इंटू टू पार्ट। तो 1000 को दो इक्वल, मतलब दो इक्वल पार्ट तो नहीं, लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरह से कि एक पार्ट जो है बोलता 47 का मल्टीप्लाई हो और या मल्टीपल हो, और उसके बाद दूसरा पार्ट जो है 19 का मल्टीपल हो। तो 47 और 19 का मल्टीपल का मतलब है कि 47 के टेबल में आए और 19 के टेबल में आए, ठीक है। हमें नहीं पता वो क्या पार्ट्स होंगे, तो जो 47 के टेबल में आएगा उस पार्ट को हमने मान लिया x, जैसे 47 टू जाए या थ्री जाए, कितने में भी जाएगा हमें नहीं पता। और ये 19 को मान लिया कि भाई y टाइम में जाएगा ये 19 से, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने कहा है डिवाइड कराया, तो इसका मतलब इन दोनों का सम जो है वो 1000 के बराबर ही रहेगा फिर। तो ये दो नंबर जो हैं 47 इंटू एक्स प्लस 19 इंटू वाई इजक्ल टू 1000 हमने मान लिया। तो 47 का एक्स टाइम्स और 19 का वाई टाइम्स जो है उनको हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1000। ये हमारी इक्वेशन जो बनी, अब इसको हमें सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे x और y की वो वैल्यू रखनी है जिनको इनसे मल्टीप्लाई करके और प्लस करने पे आंसर 1000 आए। तो x जो है वो हम 14 रखेंगे और y जो है वो 18 रखेंगे, तो आंसर हमारा जो 1000 आएगा। तो इक्वेशन में x की जगह हमने रख दिया 14, तो 47 इंटू 14 प्लस y की जगह रखा है 18, तो 19 इंटू 18। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 658, और इसको मल्टीप्लाई करा तो 342, तो प्लस करके आ गया 1000। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, और राइट हैंड साइड कितनी है 1000। तो ये इसका आंसर होगा। तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।